नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल एस्ट्रो अभि चतुर्वेदी में। मैं अभिषेक चौबे आज लेकर आया हूँ लव राशि फल। आपको पता है ज्योतिष में बहुत अच्छा योग माना जाता है। अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में हो उस व्यक्ति में बड़ी मधुरता देखने को मिलती है, मीठा इंसान होता है। लव तो उसकी लाइफ में नॉर्मल सी बात रहती है। वो जिस व्यक्ति के साथ चाहता है फ्लर्ट करता है। बहुत सारे लोग उसकी लाइफ में आते जाते रहते हैं। वही संयोग इस महीने में भी बन रहा है। आपके बुधदेव राशि परिवर्तन करेंगे 24 जुलाई को। 23 जुलाई को आपके शुक्रदेव बकरी होंगे। ये दोनों एक ही राशि में आ जाएंगे। जाहिर सी बात है यहाँ पर आपके लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। ऐसी तीन राशियाँ जिनकी लव लाइफ में ये बहुत अच्छा करेंगे। इतना अच्छा करेंगे कि शायद इसके पहले आपने उम्मीद नहीं की थी अपने राशि के बारे में। ठीक है, हम आपको ये जानकारी तो देंगे, बशर्ते आपसे इतना ही कहेंगे, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे कि हमारे जो आगे की आने वाली वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सहज ही प्राप्त हो सकें। देखो, हम आपको यहाँ जो जानकारी दे रहे हैं एक गोचर के अनुसार दे रहे हैं, ठीक है, और चंद्र राशि के आधार पर दे रहे हैं। चंद्र राशि मतलब मून साइन। अगर आपको मून साइन नहीं पता है तब आप अपने नाम राशि से देख वा सुन सकते हो। अब रही बात गोचर किन लोगों पे लागू होता है वो सुन लीजिए, ठीक है। गोचर उन्हीं लोगों पे लागू होगा जिनकी कुंडली में कोई दोष नहीं होगा। आपकी कुंडली में ही दोष है और आपके अंतर सा प्रत्यंतर सा पाप ग्रह की चल रही है, तब आप उम्मीद करो कि ये 100% लागू हो जाए आप पे लव राशि फल, तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम देखो और लोगों की तरह आपको यहाँ मिसगाइड करने नहीं आए हैं, ठीक है ना। चलिएगा, हम मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अगर आप किसी रिश्ते की रियलिटी जानना चाहो या कैरियर को लेके आप चिंतित हों, वैवाहिक जीवन आपका खराब चल रहा हो, आप लव मैरिज करना चाहते हो, कुंडली से संबंधित आपको कोई भी सवाल रहे आप पर्सनल रीडिंग करवा लेना, आपको हकीकत बता दी जाएगी। कोई आपको बड़े बड़े सपने दिखा के गया है या किसी ने बड़े बड़े वादे किए हैं या कोई आपको छोड़ के गया, आप उसके लिए आज भी रो रहे हैं, उसका आज भी आप वेट कर रहे हैं, तो वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो सब हम आपको बता सकते हैं। ओके, चलिएगा, हम बात कर लेते हैं भाई तीन राशि कौन सी हैं। देखो, लक्ष्मी नारायण योग बनने से सबसे पहली राशि जिनका बहुत अच्छा होने वाला है, अगर आप मिथुन राशि के पर्सन हैं तो आप ये मान लीजिए आपके लिए 25 जुलाई से लेके आपके 10 अगस्त तक का समय इतना अच्छा रहेगा जितना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। लव लाइफ में आपको सबसे बड़ी चीज़ है आपका पार्टनर अपनी तरफ से ऑफर करेगा। जैसे कि मान लो अगर आप अपने पार्टनर के साथ लिविंग रिलेशनशिप में थे और आप उसके साथ फिजिकल होने के लिए बोल रहे थे, बशर्ते अभी तक वो मना कर रहा था, लेकिन अब वो अपने तरफ से ऑफर करेगा, वो कंडीशन हो, ठीक है। आप मतलब विवाहित हों या अनमेरिड हों, दोनों के लिए ये चीज़ लागू होगी। सेकंड नंबर, अगर आपको कोई छोड़ के गया था जो कि आपके साथ लिविंग में रहा है, तो उस इंसान से अब आपका कांटेक्ट हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। एक गोचर में स्थिति बन रही है। अगर कोई छोड़ के गया है आपको मेष राशि का व्यक्ति, तो वो वापसी करेगा और अब गिड़गिड़ाएगा आपके सामने कि मुझे अपनी लाइफ में स्थान दे दो, हम अब चीट नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी राशि, जिस राशि को आप और हम सिंह राशि बोलते हैं। तीसरी राशि तुला है। चौथी राशि आपकी मकर है। पांचवी राशि कुंभ। ये पांच राशियों के एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में आज भी आने के लिए तरस रहे हैं और ये वापसी भी करेंगे अगर आपने चाहते हैं अपनी लाइफ में लाना, ठीक है। बात कर लेते हैं दूसरी राशि जिनकी लव लाइफ में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इनका पार्टनर, इनको जैसे कोई कमिटमेंट के लिए अगर आप सोच रहे थे तो वो 100% करेगा और जो कन्फ्यूजन था वो आपका दूर होने वाला है। अगर आप मतलब कि सिंह राशि के पर्सन हैं तो आप भी हैप्पी हो जाइए, क्योंकि आपके भी लव लाइफ में मित्र बहुत अच्छा होने वाला है, जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी, इतना अच्छा होगा आपके साथ लव लाइफ में, ठीक है। आपको जो छोड़ के गया था, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में था इंसान, उससे अब आपका कॉन्टैक्ट हो जाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होगी। ओके, बात कर लेते हैं तीसरी राशि, जिस राशि को आप और हम
तुला राशि बोलते हैं। आपके भी लव लाइफ में मित्र बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी कुंडली में अंतर सा प्रत्यंतर सा अगर शुभ ग्रह की चल रही है तो आप लव के मामले में बहुत खुश नसीब इंसान होंगे। सबसे बड़ी चीज़ है जो थर्ड पार्टी थी वो दूर हो जाएगी आपके पार्टनर से, ठीक है। चाहे थर्ड पार्टी में फैमिली ही क्यों ना हो, वो भी अब आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगी, ठीक है। थर्ड नंबर कोई लड़का या लड़की आपके पार्टनर की लाइफ में है तो वो भी दूर हो जाएगा और आपके ही पार्टनर से अब आपका कांटेक्ट हो जाएगा। अगर आप डेट कर रहे हैं किसी का तो उस इंसान से भी यहाँ कांटेक्ट होने के पूर्ण चांस बन रहे हैं आपकी कुंडली में, ठीक है। बशर्ते आपके कुछ राशियों के पार्टनर हो तब ये वापसी 100% करेंगे। अगर आप सोचो कि हर एक राशि का करे तो हम नहीं करेंगे, है ना। अगर कोई आपको छोड़ के गया था मेष राशि का पर्सन तो वो भी आपकी लाइफ में आ जाने को तैयार बैठा है, ठीक है। दूसरी राशि जिस राशि को आप और हम मिथुन राशि बोलते हैं, अगर ये भी कोई आपके पार्टनर रहे मिथुन राशि के तो ये भी वापसी कर लेंगे। तीसरी राशि है जिस राशि को आप और हम वृश्चिक राशि बोलते हैं। चौथी राशि मकर राशि। ये चार राशियों के आज आपके एक्स पार्टनर वापसी कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। जिनकी कुंडली में अगर दिक्कत है वो लोग सावधानियां भी बरतें, किसी भी राशि के क्यों ना रहें, उनका पार्टनर यहाँ पर उन्हें धोखा दे सकता है या ऐसी कोई बात करेगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा और मुझे लगता है कि आप उससे दूरी बनाना भी प्रारंभ कर दो, ऐसी स्थिति भी बन सकती है आपकी, ठीक है। चलिएगा, आज हम आपको इतनी ही जानकारी देंगे, कल पुनः मिलेगी नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपनी फैमिली साथ हंसते मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण।